हेलो स्टूडेंट्स, आज हम व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं व्यावसायिक रोगों की इस कम्युनिटी हेल्थ की क्लास में सेकंड क्लास शुरू करेंगे, जिसमें मेनली हम डिस्कस करेंगे व्यावसायिक रोगों के बारे में। पिछली क्लास में हमने व्यावसायिक स्वास्थ्य के बारे में और व्यावसायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के बारे में डिस्कस किया था। आप वो वीडियो अगर देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। व्यावसायिक रोग बहुत सारे रोग हैं जो हेल्थ जो व्यावसायिक हैजार्ड्स हैं उनके द्वारा हो सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है न्यूमोकोनियोसिस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एग्जाम में काफी बार आता है। क्लोम गुलाणु रुग्णता भी इसे कहते हैं हिंदी में। यह धूल में सांस लेने के कारण उत्पन्न हुई फेफड़ों की एक बीमारी है, जिसमें सूजन, खांसी और फाइब्रोसिस उसकी विशेषता है। ये हो सकता है फेफड़ों पर जो धूल के प्रभाव हैं वो उसकी रासायनिक संरचना, उसका साइज शेप, हवा में धूल की एकाग्रता मतलब वो कितनी ज्यादा है या कम है, जोखिम की अवधि और जो व्यक्ति उसके सामने उजागर हो रहा है उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। न्यूमोकोनियोसिस के कारण, न्यूमोकोनियोसिस फेफड़ों में सांस के द्वारा जाने वाली जो धूल है उसके कारण होता है। एस्बेस्टोस, सिलिका, कोयले की धूल आदि के संपर्क में आने से न्यूमोकोनियोसिस सबसे ज्यादा होता है, आम कारण है। न्यूमोकोनियोसिस के प्रकार बहुत सारे हैं, मुख्य जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। लिस्ट भी इनकी बनवाई जा सकती है या शॉर्ट नोट आ सकता है किसी एक बीमारी पर, तो आप इनको ध्यान से देखिए। ये है सिलिकोसिस, एंथ्रेकोसिस, बायोसिनोसिस, बागोसोसिस, एस्बेस्टोसिस और फार्मर्स लंग या किसान का फेफड़ा। अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस एक प्रकार का व्यावसायिक फेफड़ा रोग है जो सिलिका धूल के अंदर जाने के कारण होता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये ऐसा कंडीशन हो सकती है, ये आरंभ स्थिति में और ये सीवियर कंडीशन में कॉम्प्लिकेटेड जो केस हो जाता है उसमें। इसके मुख्य रूप से तीन प्रकार हैं, तीव्र, त्वरित, तीव्र क्रोनिक और त्वरित। तीव्र में क्या है कि लक्षण इसमें सिलिका के संपर्क में आने के लगभग 2 सप्ताह बाद आ सकते हैं। क्रोनिक होगा कि सिलिका में कम या अधिक मात्रा में संपर्क में आने के बाद दशकों तक कोई समस्या दिखाई नहीं देती है, उसके बाद यानी 10 साल के बाद ये समस्या आती है और ये सिलिकोसिस का सबसे आम प्रकार है। इसमें लक्षण हल्के होते हैं शुरू में पर बाद में ये गंभीर हो सकते हैं। त्वरित जो प्रकार है उसमें ज्यादा एक्सपोजर, हैवी एक्सपोजर के लगभग 5 से 10 साल तक ये दिखाई देने लगते हैं और काफी जल्दी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। सिलिकोसिस का कोई प्रभावी उपचार नहीं है, केवल इसे रोकने के लिए निवारक उपाय किए जाने चाहिए। दूसरा रोग है, दूसरा न्यूमोकोनियोसिस टाइप है एंथ्रेकोसिस, इसे ब्लैक लंग भी कहते हैं। एंथ्रेकोसिस को बायोलिन में भी परिभाषित किया गया है। वायु प्रदूषण, धुएं या कोयले के धूल कणों के बार बार संपर्क में आने से फेफड़ों में कार्बन का संचय होने के कारण ये बीमारी होती है। इसे विकसित होने में लगभग 10 से 12 साल लग सकते हैं। इसके सामान्य संकेत होते हैं सांस लेने में कठिनाई होना, सांस कम आती है, धीरे आती है और कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको हवा ही नहीं मिल रही है। आपके काम करने की और एक्सरसाइज करने की क्षमता में कमी हो जाएगी और बहुत लंबे समय तक खांसी रहेगी, ठीक नहीं हो पाएगी। एंथ्रेकोसिस का भी कोई प्रभावी उपचार नहीं है, इसे रोकने के लिए भी निवारक उपाय आपको करने चाहिए। अगला है बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस को हम ब्राउन लंग डिजीज भी कहते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। बाइसिनोसिस एक दुर्लभ फेफड़ों की बीमारी है। यह भांग, सन, कपास के कणों के कारण होता है। इसे कभी कभी भूरे फेफड़े की बीमारी भी कहा जाता है। बाइसिनोसिस एक व्यावसायिक बीमारी है जो मुख्य रूप से कपास प्रसंस्करण उद्योगों में लगे हुए श्रमिकों को प्रभावित करती है। बाइसिनोसिस के मरीजों को आमतौर पर खांसी, सीने में जकड़न और भावना के साथ कठिनाई होती है।
जब वे एक ब्रेक के बाद काम पर लौटते हैं तो उन्हें ये ज्यादा महसूस होता है, इसीलिए इसे हम मंडे फीवर भी कहते हैं। पूरे सप्ताह के दौरान धीरे धीरे लक्षणों में सुधार होता है। आमतौर पर एक्सपोजर रुकने के बाद दीर्घकालीन प्रभाव नहीं होते हैं। वाइसिनोसिस का कोई वैसे उपचार नहीं है, इसे रोकने के लिए एक्सपोजर रोका जाना जरूरी है, कुछ समय का लिए उसको ब्रेक दिया जा सकता है। अगला है बागासोसिस। बागासोसिस उन समूहों के अंतर्गत आता है जो फेफड़ों की बीमारी है, जिसके अंदर ज्यादातर जो गन्ने का जो छिलका है उसके संपर्क में आने से एक अति संवेदनशीलता न्यूमोनाइटिस हो जाता है। एक अध्ययन से पता लगा है कि लगभग 21 जो बेगास श्रेडिंग श्रमिक हैं उनमें से लगभग 11 को लगभग 15 महीनों में ये बीमारी हो गई है। बागासोसिस के प्रबंधन में दवाओं की कोई भूमिका नहीं है। बागास और जो ये छिलके हैं इनके संपर्क में आने के कारण इनसे अगर बचा जा सके तो ही ये बचा जा सकता है, परंतु इलाज इसका नहीं। तो एक बार होने के बाद आपको उससे एक्सपोजर को हटाना होगा। अगली डिजीज है एस्बेस्टोसिस। ये भी एक टाइप का न्यूमोकोनियोसिस है। एस्बेस्टोसिस फेफड़ों की एक बीमारी है जो एस्बेस्टोस के कणों के सांस में लेने के परिणाम स्वरूप होती है, जो गंभीर फाइब्रोसिस और मेसोथेलियोमा के उच्च जोखिम का चिन्ह है। मेसोथेलियोमा क्या है? कैंसर है टाइप का फेफड़ों का। इसके लक्षण क्या है? एस्बेस्टोसिस के दीर्घकालीन जोखिम के प्रभाव आमतौर पर 10 से 40 साल के तक दिखाई नहीं देते हैं, बाद में दिखाई देने लगते हैं। लक्षणों में जो गंभीरता है वो अलग अलग हो सकती है। एस्बेस्टोसिस के लक्षण हो सकते हैं सांसों की कमी, मतलब धीरे धीरे आना, कठिनाई होती है सांस लेने में, लगातार सूखी खांसी आती है, वजन घटने लगता है, भूख नहीं लगती, अंगुलियों और पैरों की जो अंगुलियां हैं हाथों की और पैरों की वो चौड़ी और गोल दिखाई देती हैं, जिसे क्लबिंग कहते हैं। आप यहाँ पर इस पिक्चर में भी क्लियरली देख सकते हैं, ये क्लबिंग फिंगर्स हैं। सीने में जकड़न और दर्द, ये इसके लक्षण हो सकते हैं। इसका भी इलाज नहीं है, बचाव हो सकता है। अगली डिजीज है फार्मर्स लंग या किसान का फेफड़ा। फार्मर्स लंग एक अति संवेदनशील न्यूमोनाइटिस है जो घास की धूल, मोल्ड या के बीजाणुओं और किसी भी कृषि उत्पादों से आने वाले बायोलॉजिकल धूल के सांस लेने से होता है। किसान के फेफड़े को भी इस बीमारी को उसमें नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु ठीक नहीं किया जा सकता। अधिक गंभीर मामलों में बेड रेस्ट और ऑक्सीजन थेरेपी से इसका हमें काफी फायदा मिलता है। क्रोनिक मामलों में लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए दवाओं का उपयोग किया जा सकता है, परंतु जो एक बार स्थिति हो गई है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। फेफड़ों का नुकसान जो है वो एक बार हो गया है तो वो रहेगा। ये सारे जो अभी हमने स्टडी की, ये न्यूमोकोनियोसिस के प्रकार थे। अब दूसरी बीमारी इसमें हम डिस्कस करेंगे लेड पॉइजनिंग। लेड या सीसा एक अत्यधिक जहरीली धातु है जो बहुत ही मजबूत जहर है। इसके गंभीर और घातक परिणाम होते हैं, कई बार मृत्यु भी हो सकती है। शीशा कहाँ कहाँ पाया जाता है? नॉर्मली जो पेंट है, लेड आधारित पेंट होते हैं जो पुराने घरों की में दीवारों पर किए जाते हैं थे, अब उसमें कुछ चेंज हो गया है, बिना लेड के पेंट भी आ रहे हैं। इसके अलावा जो पुरानी कलाकृतियां थी, दूषित धूल और जो गैसोलीन, लेड बेस्ड जो गैसोलीन है, पेट्रोल है, और कुछ जो इवन जो बच्चों के खिलौनों पे जो कलर है उसमें भी लेड पाया जाता है। जो शीशे की विषाक्तता है वो इमीडिएट नहीं होती है, महीनों या सालों की अवधि में ये हो सकती है, और ये गंभीर मानसिक और शारीरिक दुर्बलता पैदा कर सकती है। और छोटे बच्चों में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहां पर वो डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं। बच्चे के शरीर में शीशा युक्त वस्तुओं को अपने मुंह में डालकर उनका जो लेड है वो उनको मिलता रहता है। शीशे को छूना और फिर अंगुलियों को मुंह में ले लेना भी उन्हें लेड दे सकता है, जहर दे सकता है, और ये उनके लिए दिमाग और तंत्रिका तंत्र जो विकसित हो रहे हैं उसके ऊपर प्रभाव डालता है। लेड विषाक्तता का इलाज किया जा सकता है, परंतु अगेन अगर जो
नुकसान हो चुका होता है तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। लेड एक्सपोजर में जो लक्षण उत्पन्न होंगे वो क्या होंगे, पेट में दर्द, पेट में मरोड़, पेन होगा काफी ज्यादा, आक्रामक व्यवहार हो सकता है बच्चे का, कब्ज हो सकती है, नींद की समस्या, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, बच्चों में विकासात्मक कौशल की हानि हो सकती है, भूख नहीं लगती, थकान हो जाती है और उच्च रक्तचाप भी हो सकता है। क्या इसे ट्रीट किया जा सकता है? हाँ, कोशिश की जा सकती है, परंतु जो एक बार नुकसान हो गया वो रिवर्स नहीं हो सकता। इलाज में सबसे पहले जो लेड है वो कहाँ से आया है वो स्रोत का पता लगाते हैं और फिर उसे दूर हटाते हैं। अगर उसे दूर नहीं हटा सकते तो उस पर कवर कर देते हैं। लीड हटाने के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पब्लिक हेल्थ विभाग को कॉल कर सकते हैं। अधिक गंभीर मामलों में चिलेशन थेरेपी की जाती है, जिसमें कुछ विशेष मेडिसिन के द्वारा आपके शरीर में जो लेड जमा है वो उस मेडिसिन के साथ बाइंड होकर मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है। उसके बाद अगली बीमारी है व्यावसायिक कैंसर। ऑक्यूपेशनल कैंसर वह कैंसर है जो काम के दौरान कार्सिनोजन के संपर्क में आने से होता है। रासायनिक धूल, विकिरण और कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं के व्यावसायिक जोखिमों को व्यावसायिक कैंसर के साथ जोड़ा गया है। कैंसर पैदा करने वाले रसायनों में जो है वो आ सकते हैं एनिलीन, क्रोमेट्स, डेनिट्रोटोलोइन, आर्सेनिक, कार्बनिक आर्सेनिक यौगिक, बेरिलियम, बेरिलियम यौगिक, कैडमियम और निकिल यौगिक। ये रसायन व्यावसायिक कैंसर को बढ़ावा देते हैं। और लास्ट में हमारे पास इस सीरीज में है एक्सीडेंट्स या दुर्घटनाएं एवं चोट। हर साल कार्यस्थलों पर हजारों दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत सी उनमें गंभीर भी हो जाती हैं, जैसे फिसलना, गिर जाना ऊंचाई से, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाना, कोई दूसरी वस्तु किसी के ऊपर गिर जाए उससे मर सकते हैं, तनाव या चोट हो जाए, घुमावदार दुर्घटना या टकराव, एक्सीडेंट हो जाए किसी चीज के साथ, फास्ट मूविंग व्हीकल के साथ, फैक्ट्रियों में जो सामान ले जाते हैं इधर उधर, विषैले धुएं को इनहेल कर लेना और शोर से एक्सपोजर, ये काफी जो दुर्घटनाएं, इसके अलावा बहुत सारी दुर्घटनाएं हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज जो हमने स्टडी किया है इंडस्ट्रियल डिजीजेज के बारे में, अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे प्रिवेंट किया जाए और जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं वर्कर हैं उनकी हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जाए। उस वीडियो को भी देखने के लिए आप इसके लिंक में सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं।